बिग बॉस के दूसरे एपिसोड की अगर बात की जाए, दूसरे एपिसोड का अगर रिव्यू किया जाए, तो फिर एक बार सिद्धार्थ शुक्ला आधे से ज्यादा एपिसोड में हमें दिखे। इसके साथ ही निक्की तांबोली वहां पर दिखी और पहला टास्क दिखा। अब कौन सा कंटेस्टेंट मुझे कैसा लगा है, निशांत सिंह मलखानी कैसे लगे, रूबीना कैसे लगी, हर एक कंटेस्टेंट पे डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए इस रिव्यू की तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस रिव्यू करते वक्त, क्योंकि अब जो है बिग बॉस को बहुत कुछ करना होगा। पहले एपिसोड के एंड में हमने ये देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर का झगड़ा था, लेकिन बिग बॉस के पास दिखाने के लिए कोई अच्छा फुटेज ही नहीं है, इसलिए वही प्रोमो आगे चलाकर इस जो ये आज का जो एपिसोड था उसके एंड में भी वही प्रोमो दिखाया गया है। जी हाँ, क्योंकि बिग बॉस के पास बड़ा कोई झगड़ा वाला प्रोमो नहीं आया है, तो इसी पर ही वो काम चला रहे है। बात की जाए बिग बॉस के घर की तो भाई हर कोई अब थोड़ा सा अंदर आ रहा है, गेम में अंदर आ रहा है, लेकिन अभी भी सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर ही पूरा फोकस है, सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर ही पूरा टीआरपी चल रहा है। जब सिद्धार्थ शुक्ला घर से निकल जाएंगे 14 दिन बाद, तो ये घर बहुत सूना सूना लग सकता है अगर ऐसा ही 14 दिन चलता रहा तो। अब पहले एपिसोड के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो निशांत सिंह मलकानी अच्छी तरीके से कम बैक करते हुए इस एपिसोड में दिखे। वहां पर जान कुमार शानू भी वहां पे एक टास्क में बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, हालांकि इतने में से नहीं होने वाला और बहुत कुछ करना होगा। अब स्टार्ट से हम देखते हैं, स्टार्ट में जो निक्की है, निक्की के बारे में दो तीन लोगों को बोलते हुए ये दिखा कि निक्की जो है बहुत सारा काम कर रही है। पहले एपिसोड में हमने ये देखा कि उन्होंने अपनी नाखूनों की बात कही, लेकिन वो बर्तन साफ नहीं करना चाहती थी और बार बार वो अपने नाखून खराब हो जाएगी इस तरीके से बात कर रही थी और झगड़ा कर रही थी बहुत छोटी सी चीज पर। लेकिन अब तीन चार लोगों के मुंह से हमने ये सुना कि निक्की घर में बहुत काम कर रही है, और ये बिग बॉस ने हमें इसलिए सुनाया क्योंकि उनकी इमेज खराब हो गई थी, ये काम नहीं कर रही थी, बहाने कर रही थी, इस तरीके की इमेज लोगों में बन गई थी। जैसे पहले दिन निक्की सलमान खान के साथ स्टेज पर दिखी, वैसी निक्की है नहीं, ये मैंने आपको पहले एपिसोड में भी बताया था। ये जो है ये बहुत ही शातिर दिमाग है और ये आगे तक जरूर जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही दिमाग लगाकर बहुत ही अच्छे से हर किसी को हैंडल कर रही है और इसका दिल भी काफी साफ लग रहा है। अगर बात की जाए इनके और सारा के झगड़े की, हालांकि ये एंड में हुआ था, लेकिन मैं एक एक कंटेस्टेंट के बारे में मैं आपको रिव्यू में बताना चाहता हूँ। स्टार्ट के कुछ रिव्यू में इसी तरीके से करूंगा। तो निक्की और सारा में जो झगड़ा हुआ था वो हुआ था कुछ चीजों से, यानी कि इनको चाहिए 7 चीजें, ये 7 ही चीजें ले सकते हैं और 11 लोग है। अब 11 लोगों में से बहुत बार ऐसा होता है कि झगड़े होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब निक्की पास बहुत सारी चीजें है, तो निक्की को चाहिए थी बड़ी सैंडल, वहां पे ऊंची हील वाली चप्पल, और वहां पर सारा इनके साथ झगड़ा कर रही थी कि मुझे वो सारी चीजें चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन निक्की ने यह कहा कि मेरे पास आपको जो चाहिए वो सब कुछ है। हालांकि जब उस वक्त सारा गुरपाल ने जो शर्ट पहना था, जो टॉप पहना था, वो भी निक्की का ही था, और फिर भी सारा गुरपाल ये कहती है कि इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, और ये बात बोलना हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा सारा गुरपाल का, क्योंकि आप अगर बिग बॉस के घर में आ रहे हो तो आप किसी से इंसानियत की उम्मीद रखना भी बहुत खराब है। तो इंसानियत अगर कोई आप पर कर रहा है, यानी कि निक्की ने आप पर इंसानियत की थी, तो भाई आपको उनके साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। अगर उनको भी लगता है कि मुझे भी कोई एक चीज चाहिए, तो भाई आप उसको अपोज कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, और ये जो चीज है, यानी कि जो उन्होंने अपना जो निक्की का जो टॉप पहना था वो निकाल के फेंक दिया, वो इसमें निक्की की कोई गलती नहीं थी। अब आप कहोगे कि कैसे भाई, तो वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीधे सीधे सारा गुरपाल ने उनको कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, और वहां पर निक्की ने फिर कहा कि फिर ये जो तूने टॉप पहना है ये भी मेरा ही है, तो इसलिए उन्होंने वो निकाल के फेंक दिया। हालांकि पहले जिक्र वहां पे निक्की ने नहीं किया था कि तूने मेरा टॉप पहना है इस तरीके से, इन्होंने खुद जिक्र किया कि मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, तो गुस्से में बात निक्की के मुंह से आई थी, लेकिन उसके बाद भी 2 बार वो उनके पास जाके उन्हें मनाने की कोशिश की। तो ये कुछ अच्छी चीज आज हमने निक्की तांबोली जो है उनसे हमने देखी। अब बात की टास्क के बारे में, मैं टास्क के बारे में बोलना चाहूंगा, स्पेशली फर्स्ट टास्क था बिग बॉस के सीजन 14 का। इस टास्क के बारे में बहुत अच्छा लगा मुझे, जो भी टास्क था, जो भी चीजें इनको दी गई।
पहला जो राउंड था, पहले राउंड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूबीना को एक टास्क दिया कि आपको हफ्ते भर घर में रहना होगा, एक ही कपड़े पे रहना होगा, जो टास्क वहां पे रूबीना ने साफ तौर से इनकार कर दिया। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, हालांकि एक हफ्ता एक ही कपड़ा पहनना ये तो होने वाला नहीं है। थोड़े से अपने थॉट प्रोसेस अगर लगाए तो उनको पता होना चाहिए रूबीना को, जी हाँ मैं एक्सेप्ट तो कर लेती लेकिन बिग बॉस हालांकि ऐसा होने नहीं देंगे, मुझे तो दूसरा ड्रेस मिलेगा ही मिलेगा, तो एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है भाई। तो यहाँ पे रूबीना कहीं ना कहीं गलत लगी। रूबीना स्ट्रांग लगती है लेकिन ये थोड़ी सी अपना अपना ख्याल कर रही है, खुद के बारे में ही वहां पे जो है सोच रही है और थोड़ा सा स्वार्थ दिख रहा है इनमें, थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ, बहुत सारा स्वार्थ दिख रहा है और दूसरे के बारे में ये सोच नहीं रही है। और ये टास्क इन्होंने करना ही चाहिए था लेकिन उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं करने वाली। अब बात की जाए तो जान कुमार शानू को वो प्लेट ऐसे पकड़ने को लिए कहा था, अब वो छोटा बच्चा है और दिखता भी बच्चा है और है भी बच्चा वो, तो उसने वो टास्क कंप्लीट कर दिया, वो तीन उंगलियों से वो पकड़ा, हैवी था वो, ऐसे पकड़ना मुश्किल होता है, जो जिम करते हैं उनके लिए बहुत आसान होगा लेकिन ऐसे बंदे के लिए वो मुश्किल है। तो उसने वो टास्क कंप्लीट किया, वो अच्छा लगा। फिर उसके बाद सारा गुरपाल को जो बाल काटने का जो टास्क था, जो लड़की अक्सर कहती है कि मैं बाल नहीं काटना चाहती, लेकिन सारा गुरपाल ने एक झट से एक सेकंड के अंदर वहां पे हा कर दी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और निशान सिंह मलका ने, जी हाँ, जो इनका निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था तो इनके जो पॉजिटिव चीज मेरे पास आई तो ये बताना मेरा काम है। मैं ऐसा नहीं कि यार मैंने राय बना ली और ये किसी और को सपोर्ट करता है तो मैं इसको अपोज ही करूं, नहीं ऐसा नहीं है भाई। निशान सिंह मलकानी का आज का जो बिहेवियर है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सरल लगा। और बंदा ऐसा है ना भाई, जी हाँ लाओ, बहुत शांत बंदा है। और अच्छा ये करना होगा मैं कर लूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, बिकनी पहननी पहन लूंगा, ये करना है कर लूंगा, इस तरीके से ये बंदा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इन पे जरा सा भी असर नहीं हुआ और ये बहुत आगे तक जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फाइनलिस्ट भी हो सकता है, हालांकि इतने जल्दी ये बात बोलना बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन ये बंदा आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है। इसकी वजह सिर्फ ये टास्क नहीं है, मैं आपको आगे जाके भी ये बताऊंगा कि जब इन चारों को वहां पे खड़ा किया था और बोला था कि आपसी सहमति से आपको एक को रिजेक्ट करना है, यानी कि जो रिजेक्टेड कंटेस्टेंट है उनमें से एक को आपको बाहर ही रखना होगा, तीन को लाना होगा, तो यहां पर बिग बॉस को 100% पता था कि इनमें झगड़े हो जाएंगे। और जैसे कि रूबीना है, रूबीना अपने सीट के लिए वहां पे फाइट करेंगी और वहां पर वैसा हो भी सकता था, लेकिन निशान सिंह मलकानी ने कहा कि चलो ठीक है, हाँ तुझे क्या चाहिए, अब आप जो है खुद को छोड़ के तीन नाम लो, और तीसरा नाम हर किसी ने वहां पे जो है रूबीना का लिया। और मैक्सिमम वोट्स उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि हमें ये वोटिंग कर रहे हैं, हम आपसे सहमति नहीं, हम ये वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहने का वे कुछ अलग था। अच्छी तरीके से समझाया उन्होंने वो चारों को और वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से रूबीना आउट हो गई। हालांकि बिग बॉस ने इनको ताकीद दी कि इस तरीके से नहीं चलेगा भाई, हमारे बिग बॉस के घर में इस तरीके से नहीं चलेगा, आपको आपसी सहमति झगड़ा करके ही करनी होगी, नहीं तो आप घर से बाहर जा सकते हो, हम भी आपको घर से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि इतने सेंसिबल पर्सन की हमारे घर में जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने इससे पहले भी एक सेंसिबल पर्सन देखा था जो सीजन 13 में था और इनको घर से बाहर जाना पड़ा था। अब ये कौन है आप ही कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि इतना सेंसिबल अगर रहा कोई तो भाई उनको घर से बेघर होना पड़ता है। जी हाँ, तो इस तरीके से मुझे निशान सिंह मलकानी का बहुत अच्छा लगा, उन्होंने वो दूसरा जो टास्क है रिजेक्ट यहाँ पे लिखने का, तो ये भी बहुत आसानी से हा कर दी कि हाँ मैं रिजेक्ट यहाँ पे लिखूंगा, और जब भी सीनियर मेरे सामने आएंगे कि और उनको बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं रिजेक्टेड हूं तो मैं ये कह दूंगा। ये बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि जब ये स्टेज पर आए थे तो सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान, हीना खान ने ये देखा था कि इस बंदे को रिजेक्शन पसंद नहीं, तो सबसे पहले उन्होंने वहीं पर इस बंदे को रिजेक्ट कर दिया था। अब दूसरी बात, जब ये घर में आया तो इसको घर के अंदर आने के लिए फिर एक बार वहां पर रिजेक्ट लगा दिया और ये बता दिया कि आपको हर किसी को, यानी हर सीनियर को ये बोलना होगा कि मैं जो हूं मैं रिजेक्ट हुआ हूं। तो इस तरीके से ये बंदे के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने बहुत ही शांत तरीके से ये कहा कि जी अगर ये करना है तो मैं करूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है, इस तरीके से इन्होंने ये की। तो मुझे निशान सिंह मलकानी आज के एपिसोड में बहुत अच्छे लगे। बात करते हैं जान कुमार शानू की, तो उन्होंने अपने बाल तो कटवा लिए हैं, जी हाँ इस लौंडे ने ये तो बड़ी स्टेप ली और
शायद हो सकता है कि उनकी जो इमेज थी, छोटी सी इमेज, वो खत्म करने की कोशिश वहां पर की, अच्छे से किया टास्क। मैं इसके 100 में से 100 मार्क्स इनको दूंगा कि जी हाँ, कुछ तो करना था इनको, अलग करना था, और इन्होंने किया है, क्योंकि ये सबसे वीक दिख रहे थे। अब सबसे वीक जो है वो रूबीना के हस्बैंड दिखेंगे, ये नहीं, यानी जान कुमार शानू नहीं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एक कदम ऊपर की ओर बढ़ाया है, लेकिन इनको बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये लड़का हर किसी के साथ बहुत अच्छे से रह रहा है, और इस घर में अच्छे लोगों को जगह नहीं होती। आपको तो पता है बिग बॉस का घर कैसा होता है। अब इन कंटेस्टेंट के अलावा अगर बात की जाए तो राहुल वैद्य बहुत कम दिख रहे हैं, इजाज खान सिर्फ बर्तन धोते हुए दिख रहे हैं, इसके साथ ही पवित्रा पुनिया सबको ऑब्जर्व करती हुई दिख रही है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। इसके साथ जो सरदार जी है, शहजाद देओल, इनको भी बहुत कुछ करना होगा और करना होगा, हालांकि ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये थोड़ा सा झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ कुछ चीजें आज के एपिसोड में की। आपने देखी होगी कि रूबीना को उन्होंने जाके ये बताया कि आपको अपनी जगह के लिए फाइट करनी चाहिए थी, जो इन चारों में से उनको रिजेक्ट किया गया था। तो ये सारी चीजें आज के घर में दिखाई दी। जासमीन भसीन आज के घर में इतना नहीं दिखाई दी, 1 या 2 सीन में ही दिखाई दी। तो यहां पर जो है, फिर एक बार दूसरे दिन, लगातार दूसरे दिन वहां पे जो निकी तंबोली ने वहां पे फुटेज लिया। जान कुमार शानू अच्छे से आए, निशांत सिंह मलकानी ने अपना स्टेटस बदलने की कोशिश वहां पर की। रूबीना को बहुत अच्छा करना होगा, रूबीना के हस्बैंड को तो बहुत 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 अच्छा करना होगा, और जान कुमार शानू भी ठीक तरीके से अब अंदर आ चुके है। अब आपका क्या है कहना? अब इन 3 सीनियर्स की अगर बात की जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला पूरा फुटेज खा रहे हैं, हिना खान थोड़ी बहुत, और गौहर खान भी थोड़ी बहुत है। अब कल का जो टास्क आने वाला है, ये बहुत ही बढ़िया टास्क है, और इस टास्क में वहां पे चोरी है, वहां पे ज्वेलरी है, लेकिन इनमें झगड़े बहुत होने वाले हैं। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर का झगड़ा दिख रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला और इजाज खान का झगड़ा दिख रहा है। अब ये किस तरीके से टास्क हुआ, इसमें कोई मेरी जानकारी मेरे पास आ गई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बात की जाए तो एक और चीज, आज एक और झगड़ा वहां पे हुआ, यानी कि नाराज हो गई थी पवित्रा पुनिया किचन में, जब ये रोटी ले रही थी तो वहीं पर टोका था, किसने? गौहर खान ने। अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर हम रोटी ले रहे हैं, तो भाई अगर किसी ने हमें टोका तो हम वो खाना नहीं खाते, और हर किसी के जहन में ये आता है। उसी तरीके से बहुत बुरा लगा वहां पे पवित्रा पुनिया को, और पवित्रा पुनिया नाराज हो गई थी, उनके आंख में से आंसू भी आ गए, और बाद में उन्होंने बता दिया कि गौहर खान की वजह से मुझे ऐसा हुआ है। और फिर गौहर खान को समझ में आया कि भाई अपने से गलती हुई है, और वहां पे जानबूझकर गलती की थी गौहर खान ने, उसको पता था कि ये देख रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा इस तरीके से टोकना अच्छा नहीं है गौहर, लेकिन ठीक है, अच्छी तरीके से संभाल रही है, किचन की जिम्मेदारी है उनके पास। लेकिन उसके बाद तुरंत ही गौहर ने उनसे माफी भी मांगी। अब ये माफी क्यों मांगी, या ये उनसे डरी कि पवित्रा पुनिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपना किचन का मामला बहुत खत्म हो सकता है, थोड़ा सा खतरे में आ सकता है, इसलिए, या फिर कोई और रीजन है, अपनी जानने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गौहर खान ने यहाँ पे माफी मांग ली, ये सीनियर होके माफी मांग ली और अपनी गलती जो है वो कबूल कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब ये सीनियर्स और 14 दिन जो रहने वाले हैं बिग बॉस के घर में, और क्या क्या मजा लाते हैं, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपके मन में कौन से कंटेस्टेंट के बारे में कैसा ख्याल आ रहा है, हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि प्रोमो में एक और चीज हमें दिखाई गई, यानी कि राहुल वैद्य और पवित्रा पुनिया का रिश्ता बन रहा है। हालांकि रिश्ता बन रहा है ये कहना बहुत जल्द होगा, यहाँ पे राहुल वैद्य जो है वो एक तरफ से इनके पीछे पड़े हुए दिख रहे हैं। पहले वो किसके टास्क में, वो निकी तंबोली के पास गए थे, उन्होंने भाव नहीं दिया, तो फिर वो गए वहां पे पवित्रा पुनिया के पास, उन्होंने छोटे से किस उनको दे दी थी। अब बात की जाए राहुल वैद्य की, तो उसके बाद वो थोड़ा सा ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं पवित्रा पुनिया को, उनको कह रहे हैं कि अगर वो उनको रोटी बनाने के लिए बोलती है, रोटी बनाना बहुत आसान है, आप सीख जाओगे, 1-2 रोटी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे राहुल वैद्य कहते हैं कि अरे रोटी ही बनानी है ना, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, रोटी बनाऊंगा बेशक आपके साथ, अगर आपने कहा तो मैं कुछ भी करूंगा, और अगर कोई मर्द अपने गर्लफ्रेंड के लिए रोटी बनाता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इस तरीके की रिएक्शन वहां पर राहुल वैद्य के की। अब वो उनकी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड के बारे में उन्होंने किस तरीके से उनको इमेजिन किया, ये तो खुद जानते हैं। लेकिन अब पवित्रा पुनिया इसका आंसर कैसे देगी, क्योंकि बाहर से पारस छाबरा इनके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं,
सारा गुरुपाल जो है वो हेल्दी वे में फ्लर्ट करने गई थी या हेल्दी वे में सिद्धार्थ शुक्ला को ये कहने गई थी कि आप जो है पंजाब के जीजा है, लेकिन वहां पे जो है सिद्धार्थ शुक्ला को ये अच्छा नहीं लगा है। जो आज का एपिसोड आपने देखा होगा, प्रोमो छोड़ के आज का एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो आपको ये समझ में आ चुका है कि सिद्धार्थ शुक्ला को ये बात अब पसंद नहीं आ रही, क्योंकि भाई इसका करियर अच्छे से चल रहा है और इसमें बार बार शादी का ख्याल लाना या इस तरीके की बातें लाना ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस वजह से अब सिद्धार्थ शुक्ला सीनियर है इनके, और सीनियर की ऐसी खिंचाई करने से अच्छा है तो भाई इनसे दूर ही रहो। सिद्धार्थ शुक्ला ने सीधा वापस सारा को कह दिया कि अगर तू मेरे साथ ये करेगी तो मैं भी तेरी कुछ चीजें सबके सामने लाऊंगा। तो फिर सारा गुरुपाल को समझ में आ गया भाई अपने तो बहुत बड़ी चीज छुपाई है, अगर ये सबके सामने आई तो भाई अपनी तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए सारा गुरुपाल अब ये बात दोबारा इनके सामने नहीं लाएगी। ये था आज का पूरा रिव्यू। हालांकि आज के रिव्यू में देवी माँ राधे माँ नहीं दिखाई गई। जी हाँ, अब उनको बुलाया जाएगा एक दो दिन बाद या कल के एपिसोड में शायद हो सकता है कि बुलाया जाए। अगर आपने वूट प्रीमियम नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, उसमें आपको 24 घंटे बिग बॉस देखने मिलेगा। हालांकि इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है क्योंकि बहुत से कंटेस्टेंट ऐसे पड़े होते हैं, बैठे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते, कुछ बातें नहीं होती है। हालांकि एक दो आपको ऐसे सीन मिलेंगे कि हाँ यहाँ पे बातचीत चल रही है। अब निशांत सिंह मलका ने सिद्धार्थ शुक्ला के प्रति बहुत अच्छे बन गए हैं और ये मैंने एक अलग वीडियो सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है, जाके आप देख सकते हैं कि क्या कहा निशांत सिंह मलकानी ने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर। तो आप कमेंट सेक्शन में वो वीडियो की लिंक है, देख सकते हैं। तो यही था आज का रिव्यू। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, वहां पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ यूट्यूब के बारे में, तो आइए वहां पे, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर आप @rider06 सर्च कर सकते हैं। तो जाइए वहां पे, फॉलो कीजिए यहाँ पे, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।